तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताना हूँ व्हाट्सअप के एक नए अपडेट के बारे में और एक कमाल के नए फीचर के बारे में जो कि अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। क्या यह नया फीचर है, कैसे उसको यूज करेंगे, आगे आपको वीडियो बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, जो व्हाट्सएप का नया फीचर बताने वाला हूँ उसका नाम है फॉरवर्ड विथ अ कैप्शन। आप कोई भी चीज़ को यहाँ पर फॉरवर्ड करेंगे तो उसके कैप्शन के साथ आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, चाहे वीडियो, इमेज हो या फोटो या कोई भी चीज़ हो, आप तो कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले आपको कर लेना है अपने व्हाट्सएप को अपडेट। ये फिलहाल बीटा यूज़र के लिए आया है। अगर आप बीटा यूज़र नहीं है तो हो सकता है आपको ना मिले, तो अपने व्हाट्सएप को तब भी आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद लाइक में यहाँ पर आया अपने टेस्ट वाले पे, मैंने यहाँ पर गया, यहाँ पर मैंने कोई भी अपनी एक फ़ोटो को चूज आउट कर लिया। तो यहाँ पर मैंने अपनी एक फ़ोटो को यहाँ पर उठा लिया, आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर मैंने कैप्शन में डाल दिया हैप्पी दिवाली, ठीक है, या जो भी आपका कैप्शन हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने एक कैप्शन को यहाँ पर डाला। अब मैं इसको यहाँ पर सेंड कर दिया, ये फ़ोटो सेंड हो गई है। अगर आप पहले क्या होता था, पहले अगर आप किसी को ये फ़ोटो फॉरवर्ड करते थे तो वो क्या होता था, विदाउट कैप्शन जाता था। तो अब यहाँ पर आपको एक नया चेंजेस दे दिया गया है, अब ये फ़ोटो आपके विद कैप्शन जाएगी। कैसे, लाइक मैं यहाँ पर आया, मैंने अपना नाम यहाँ पर सर्च कर लिया, तो नीचे आपको लग ही दिख रहा होगा कि फ़ोटो विद कैप्शन जा रही है, आपको दिख रहा होगा हैप्पी दिवाली करके ऐसा लिख रहा हुआ है। फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ सेंड करके बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर सेंड करा और इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे फ़ोटो मेरी यहाँ पर फॉरवर्ड हो गई है विथ कैप्शन गया है। तो आप जितनी बार ये सब चेंज करेंगे, जितनी बार जगह भी भेजेंगे तो सब जगह विथ कैप्शन जाने वाला है। तो कमाल का ये अपडेट होता ही था कि हमें कोई फ़ोटो को भेजना है विथ कैप्शन, तो अगर हमने एक ग्रुप पे भेज दिया, फिर एक पर्सन को भेज दी, दोबारा भेजेंगे तो कैप्शन हट जाता था। बट अब ऐसा ऑप्शन नहीं है, आपका कैप्शन वहाँ पर सेव होने वाला है, कैप्शन को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप इवन ये वीडियो में भी कर सकते हैं। तो लाइक मैंने यहाँ पर कोई वीडियो छोटी सी उठा लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं अपनी एक वीडियो फॉरवर्ड करी विद, मैंने वहाँ पर नीचे टैग डाल दिया इसमें कैप्शन हेलो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा। तो अगर अब मैं इसको भी फॉरवर्ड करूँगा तो भी आपका वहाँ पर कैप्शन जाने वाला है। कैसे, अब मैं आया फॉरवर्ड पे, तो फॉरवर्ड पे आने के बाद देख रहे होंगे मैंने अपना नाम सर्च करा और नीचे आपको हेलो फ्रेंड करके ही दिख रहा होगा। अगर अब मैं सेंड भी करूँगा तो वो वहाँ पर हेलो फ्रेंड के नाम से ही जाएगी, आप देखेंगे तो वो वहाँ पर हेलो फ्रेंड्स के नाम से ही जाएगा। तो यही नया अपडेट था व्हाट्सएप की तरफ से कि आप कोई भी चीज़ को फॉरवर्ड करेंगे तो उसके कैप्शन के साथ आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यही लेटेस्ट अपडेट था व्हाट्सएप की तरफ से जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। बस मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।